बहुत ज़्यादा अच्छे से किया था और इस बार भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज किया है और बहुत टाइम दिया है अपना। उन्होंने 7 दिन का गणपति रखे हैं और 7ों दिन बहुत ही मन से पूजा पाठ, शाम की आरती, सुबह की आरती, पूरा प्रोसेस से उन्होंने जितना अच्छे से करना था उन्होंने बहुत अच्छे से किया। और मैं दूसरी बार आ रही हूँ आज, मैं फर्स्ट डे आई थी और आज मैं 7वां दिन है। उन्होंने इनवाइट किया था कि ज़रूर आना है, तो मैंने कहा मैं, आप नहीं भी बुलाते तो भी मैं आती, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से पूरा सब प्रोसेस करते हैं और आई होप कि गणपति बप्पा उनसे खुश भी हो, उनकी सारी मेहनत सफल हो। ये भी जानना चाहूँगा कि आपको गणपति कैसे बनाती हैं? मैं एक्चुअली अपने घर पे रखती हूँ, बट इस बार कुछ मैंने माना था तो इस बार छोड़ के, और नेक्स्ट ईयर मेरा प्लान है रखने का, इस बार मैंने नहीं रखा, तो इसलिए कहीं ना कहीं दर्शन करने जाना था तो मैंने आदित्य जी के आना प्रेफर किया। और प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? अभी एक्चुअली प्रोजेक्ट मेरे 2-3 चल रहे हैं, अभी मैं एक करके आई हूँ और अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है। एक्चुअली मैं अभी रिवील नहीं करूँगी बट थोड़ा सा बता दूँ, एक्चुअली मुझे बिग बॉस से एक मैं बोलूँ कि ना बोलूँ, मैं ये सोच रही हूँ मैं बैक कैमरा डायरेक्शन का काम कर रही हूँ बिग बॉस के लिए, तो मुझे कल परसों से ज्वाइन करना है। अभी तक मतलब सारी चीज़ें कंफर्म है एंड आई होप कि सारी चीज़ें कंफर्म होती हैं। हाँ, मैंने ऐसा सुना कि रानी चैटर्जी जा रही हैं क्योंकि भोजपुरी से थोड़ा लिंक है हम लोगों का अभी, तो इसके लिए मैंने सुना। और बात होने पे अभी उन्होंने ज़्यादा रिवील नहीं किया है कि अभी चीज़ें फाइनल हैं या नहीं फाइनल है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, बट जहाँ तक मेरी बात है मैं अपने बारे में बोल रही हूँ कि हाँ मेरा फाइनलाइज हो चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है, इन्जॉय कर रही हूँ। सीधी सी बात है, पप्पा जी का अगर कुछ अच्छा ही होगा ना, भगवान के नाम पे इंसान वैसे भी खुश होता है और जब जाते हैं तब बुरा लगता है, लेकिन अभी तो अच्छा लगता है ना। आपको गणपति कैसे बनाती हैं घर पे? मैं तो फिलहाल घर पे ही ऐसे पूजा कर लेती हूँ क्योंकि मुझे विदा करना अच्छा नहीं लगता। फिलहाल तो अभी एक मूवी है जिसमें शत्रु सर ने बोला मैं सेकेंड लीड में हूँ, मैं ज़्यादा भी कुछ बोल नहीं सकती, बाकी सारी चीज़ें शूट पे क्लियर होंगी। बहुत अच्छा लग रहा है, गणपति जी आए हैं, बहुत खुशी का माहौल है, सब लोग भजन कीर्तन गा रहे हैं। और खुद कैसे मनाते हैं जी? खुद गणपति कैसे मनाते हैं? गणपति बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हर साल हम लोग मनाते हैं, उपवास भी रखा जाता है और जहाँ तक गणपति जी की सेवा लोग करते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ संगीतमय होता है संगीत पूजा, गणपति पूजा। मैं अभी, मेरी हिंदी फिल्म आ रही है मन क्यों बहका रे, जिसकी शूटिंग अभी चालू होने वाली है और गीत संगीत कंप्लीट हो चुका है, हम बस उसकी शूटिंग जल्दी चालू होगी। और मेरे भोजपुरी में भी फटीचर और खिलाड़ी भैया पर काम चल रहा है, वो भी जल्दी शूटिंग चालू होगी। शत्रुघ्न भैया हैं हमारी फिल्म मन क्यों बहका रे के डायरेक्टर हैं जी, और बस अपना एक कोशिश है कि अच्छा से अच्छा पब्लिक को एक मनोरंजन फिल्म दिया जाए। और जी गाना गुनगुनाता हूँ मैं, वो सॉन्ग अभी मैं नहीं गा सकता लेकिन मैं दूसरा सॉन्ग जरूर आप सबको सुना देता हूँ। त्राही माम शिव पाही माम, त्राही माम शिव पाही माम, कण कण में सुनो सुनाए,
पत्ता पत्ता बोल रहा है ओम नमः शिवाय, पत्ता पत्ता बोल रहा है ओम नमः शिवाय। त्राही माम शिव पाही माम, त्राही माम शिव पाही माम, कण कण में सुनो सुनाए, पत्ता पत्ता बोल रहा है ओम नमः शिवाय, पत्ता पत्ता बोल रहा है ओम नमः शिवाय। बस ऐसे ही शिव का, गणपति का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हम लोग की मेहनत सफल हो, यही आप सब से कामना करता हूँ। आप लोग का भी आशीर्वाद और प्यार हम लोग के साथ बना रहे, नमस्कार। गणपत बप्पा मौर्या, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समर्प निर्विघ्नम कुरुदेव सरकारी सर्वदा। बस एक छोटी सी बजट की फिल्म करने जा रहा हूँ, मन क्यों बहका। ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है, ये हमारी आर्टिस्ट हीरोइन है, और बस बप्पा के आया हूँ द्वार पे, उनकी कृपा रहेगी तो हमारी फिल्म बहुत अच्छी चलेगी और बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ और एक छोटे बजट में अच्छी मूवी बना के देना चाहता हूँ, और बस आप लोग की दुआ रहेगी तो बस ठीक रहेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, पिछले 7 दिनों से हम लोग यहीं हैं लगभग, और आज विसर्जन है उनका, गणपति बप्पा का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम लोग हैं यहाँ पे, और मतलब हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पे हैं, और जो भी हैं आज हम उन्हीं की बदौलत हैं, जो भी कर रहे हैं सब उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का देन है। जी सेम, मैं मेरे यहाँ भी ऐसी गणपति होती है लेकिन मेरा 1.5 दिन का होता है, तो मेरा विसर्जन हो चुका है, और सेम इसी तरह मनाते हैं जैसे हम लोग भी हर्षोल्लास के साथ जितना हो सकता है उनको कुछ करने की कोशिश करते हैं। मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, हिंदी फिल्म है पागलपंती, जिसमें राहुल देव, मुकुल देव, अली असगर, बड़ा स्टार कास्ट है, और ये 6 अक्टूबर को रिलीज होगी। उसके बाद मेरी एक कन्नड़ प्लस हिंदी फिल्म आ रही है, उसका नाम है पैरानॉर्मल चैप्टर, जो साउथ के जो स्टार हैं उसमें कुछ हैं, अभी नाम ओपन नहीं है। ये 2 फिल्में अभी हाल फिलहाल में। सबसे पहले तो हम सबको ये प्रणाम करता नहीं, और संजय भैया के आभार बने कि आज कुछ आप सबके बीच में कुछ बोले के मिलत बा, और ये हम आदित्य भैया के घर पर हमारी 2रा साल बैठे हैं, और बहुत पिछले साल भी बहुत बढ़िया हमने के भजन वजन के ले रहे हैं, अभी तो इतना गाना हम गा दे ले आई, थोड़ा सा दुख रहे कि कुछ हम हमारे अभी काल ही हमारे को भाई रहन जेकर श्राद्ध रहे, तो तभी भी आज हम वो सब चीज़ के खैर नज़रअंदाज करते हुए भगवान का आशीर्वाद लेबे नहीं, और पूरा भजन वजन गईनी जितना हो सकल, ये समय में हम पूरा भजन गईनी जितना भी प्रयास भल सोचनी, सब भगवान के चलते भगवान के दरबार में हाजिरी लगावे के मौका मिलता ही हमने के बहुत सौभाग्य के बात बा। बाकी एगो सब आप सबके गाना हम सुनाएं जो कि हमार फेवरेट बा, और वह हमेशा सावन में भी गई ला, हम जब भी प्रोग्राम कर ले देवघर में चाहे कहीं भी जाइला, तो एगो बड़ भैया पवन भैया के गाना रहे, देवघर जही बा जलवा, हो देवघर जही बा जलवा, ढरवा दुखवा दूर होई, कृपा जरूरी होई हो, तोहरे भक्ति भोले बाबा के मंजूर होई, कृपा जरूरी होई हो। जय श्री राम, हम बानी उधारी बाबू सबके पहले प्रणाम कर दनी हम। हाँ सर, आप पूछे आप कैसे मतलब पूजा करते हैं घर में, कैसे सर है? मेरा घर और मेरा आंगन यही है, और मेरी पहली फिल्म भी रिलीज यहीं से हुई है, एसएस फिल्म फैक्ट्री शाहजहाँ से एकता जी और आदि भैया के आशीर्वाद से कंप्लीट हुआ था, तो ये मेरा आंगन है और मैं चाहता हूँ कि इस आंगन में हमेशा मैं खेलता रहूँ, और गणपति जब भी आए मैं हमेशा आऊँ और सेवा में लगा रहूँ। आगे हैं सर, एक मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अभी मैं बता नहीं सकता लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों को, ये ऐसी बात नहीं है कि मैं बता नहीं सकता, एक डांस के ऊपर फिल्म बन रही है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि लोग मुझे मेरे डांस के वजह से मेरे को पहचानते हैं, तो बहुत जल्दी डांस के ऊपर भोजपुरी में एक फिल्म बन रही है, उसमें मुझे कास्ट किया गया है, और मेरा सौभाग्य है कि उसमें मैं एज ए लीड में काम कर रहा हूँ सर। सबसे बड़ी बात तो ऐसी फिल्म फैक्ट्री हमारे लिए हमेशा घर जैसा रहा है, और हमारे घर में ये तो दूसरा ही नहीं, हमारे घर में पूजा हो रहा है, तो अपने घर में बैठ के हम गाना बजाना कर रहे हैं, और बप्पा पधारे हैं, बप्पा के उपलक्ष्य में हम गाना बजाना कर रहे हैं, इसे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। आप खुद कितने मतलब कैसे मनाते हैं, आपकी भावना जो है गणपति के लिए कैसे? देखिए हम लोग घर पे भी करते हैं, बट हम लोग कम दिन का करते हैं, और यहाँ पे ये तो घर है हमारा, ये इस यहाँ पे हमेशा होते रहता है, तो हम भी बप्पा का मूर्ति रखते हैं, हम भी उस तरीके से पूजा करते हैं, और खैर बप्पा तो
जी बेसिकली मैं सिंगर हूँ, मेरा नाम निवेदन चौधरी है, मैं आरा का रहने वाला हूँ और इससे पहले बहुत सारे एल्बम मेरे आए हुए हैं। लेटेस्ट मेरा एक एल्बम अभी लॉन्च किया वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से, दामाद तोर पनका तर है और काफ़ी अच्छा लोगों से रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफ़ी अच्छा बज रहा है। तो ओम भूर्वाप्रदस्तमस्त देवी देवतायां दधिष्ठानं समर्पयामि धी। ओम घृतं निमिक्षं घृतमस्य योनि घृते घृतो यो घृतवश्च धामा अरुष्य धामा उमादवश्यं स्वाहा घृतं वृषभं भक्ष्यज्ञम्। ओम भूर्वाप्रदस्तमस्त देवी देवताभ्यां घृतमस्नानं समर्पयामि मधु। ओम मधुवामि पंचामृत हो गया भाई का पुत्र था और भगवान गणेश भी, तो गणेश प्रथम पुत्र होने के नाते उनके जितने भी अनुज हैं सब उनकी स्त्री को ये नहीं बचा। आदि भैया ये वाली चलेगी एकदम साथ में क्या क्या हो, दूध दही घी शहद सब पर चला गया भाई बड़ा तेज है। ओम पंचनाद्या सरस्वती वै अस्तंत सरस्वती पंचनाशो दर्गा देवे सरिसाम भोरु अपसज गणेशाम मिकाम ने पंचामृत अमृतम अर्पयामि। थोड़ा सा चंदन और कर्पूर मिला के चढ़ाइए। ओम अगुं सुनादे अगुं सुना प्रस्ताम परुकाम पर एवानुदेव प्रदान शस्त्रेण सदेज नंदस्ते सोमते मध्यारसुता। ओम भोरु अपसज समस्त देवी देवताभ्यां नंदोदक स्नानम समर्पयामि गंगाजल। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवाला मणिवालस्त अश्विनाम श्वेताक्ष रुद्राय पश्यतेकड़ा। ओम भोर पप्पा को वस्त्र चढ़ाइए, बाकी जो रक्षा सूत्र तोड़ के। ओम युवा सुवासा परिवीता आग आवाज जग्यू पवित्र होगा। देखिए पप्पा को जने पहनाया जाए, बाकी जगह अच्छे छोड़ दीजिएगा। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापते या सहजं पुरस्ता आयु समुद्रं प्रतिमुद्यतव्यं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। ओम समस्त देवी देवताभ्योपवीतम समर्पय उदस्य यज्ञ। चंदन समस्त देवी देवताभ्यं चंदानुविपणं समर्पयामि यक्षत। ओम छन्नमेवदन्त हिवर्त्य आयुस्तो अस्वय विप्रा नवश्च यवन युवन्दान्ते हरिं। समस्त देवी देवताभ्यं अक्षतं समर्पयामि फूलमाला। पप्पा पे अच्छे छोड़ दीजिए, बाकी जगह एक एक फूल चला। ओम जाखदि प्रतिमोद्यम पुष्पदेवदशरदि अश्वांश द्विरते परिदाशनम भूर्वा प्रति समस्त देवी देवदाम अस्तग्नो विश्वा वैमुनान विद्वान भुवान कुमाम शपरिवात विश्वदम अवीरम च गुलालम च हरिद्रादि समन्वित नाना परिवंद्रव्याण गृहाण परमेश्वरी। ओम भूर्वा प्रति समस्त देवी देवदाभ्यम अवीरम गुलालम समर्पयामि। थोड़ा सा जल छोड़ दे। ओम ऐरी भोगे विश्व हाँ प्रत्याम भूरा देवी देवता सुगंधिम द्रव्यम सारे दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। यार नहीं हूँ तो जंगला भाव बंद कर दो दीपक बोला पंखा बंद कर तेल डाल तेल अच्छा। दरवाजा छोड़ के दरवाजा आप लोग सारे खोल दीजिए, बाथरूम का छोड़ रहा दीपक जलाइए। अंजनी कहाँ है भाई? तानाम भयं कर्ता त्राता भव भव अर्डवात दैमातुरं कृपा सिंधु षडमातुराग्रज प्रभो वरदस्त्वम्बरं देहि वञ्चतं तर्कादृतं अनेन सकलभाण वरदोस्तु सदा मम। ॐ भूर्वप्रदिश समस्त देवी देवताभ्यं शेषारोग्यं समर्पयामि। हवन की वेदी बनाई जाए। सबसे पहले तो सभी भक्तजनों को गणपति बप्पा मौर्य हर हर महादेव। काफ़ी अच्छा लगा पूरा भोजपुरी समाज, जितने हमारे भाई लोग हैं आके काफ़ी अच्छा कीर्तन और भजन हुआ। इससे सारा क्रेडिट जाता है उधारी को, अंजनी को। पिछले 2-5 साल से हम गणपति रख रहे हैं, 2 साल से वो करवा रहा है, पूरा क्रेडिट उसको जाता है। काफ़ी मज़ा आता है जब आखिरी दिन वो करवाता है गणपति के साथ, गणपति जी के सामने ये भजन कीर्तन, मज़ा आता है। बाकी श्रद्धा है बप्पा को लेकर के,
विसर्जन करने वाले हैं तो कितना विदाई जो होगा? वो तो आंखें नम हो ही जाती हैं जुदाई के टाइम, जब विदाई होता है बप्पा का। आज 7 दिन से हम लोग रखे हुए हैं, हर साल इंतज़ार होता है बप्पा का और आज लास्ट डे है, तो कहीं ना कहीं से एक तकलीफ तो होती है। जाने के बाद सबसे बड़ा लगता है जब गेट के सामने ही रहते हैं, जब आने के बाद घर सामने नज़र पड़ती है तो खाली लगता है, तो उससे बड़ा लगता है। 2-4 दिन तो ऐसा लगता है कोई चला गया, कोई मेहमान आया हुआ तो चले गए, पर आशीर्वाद रहता है उनका। और गणपति के आशीर्वाद से कितने प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं आप, कब तक देखने को मिलेंगे? बस सब गणपति जी और महादेव का आशीर्वाद है, प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी गणपति में ही स्टार्टिंग में लुटेरे का ट्रेलर लॉन्च हुआ, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है उस लुटेरे रिलीज पे। अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, काफ़ी तारीफ हुई। उसके बाद अभी मोहब्बत के सौगात है, स्वर्ग है, तो बस बप्पा के आशीर्वाद से काम चल रहा है। थैंक यू। अच्छा लगा क्योंकि सौभाग्य कि हमको गणेश जी का दर्शन हो गया आदित्य जी के घर में, और अच्छा भी लगा। और अभी तो मैं काम कर रही हूँ, बिग मैजिक में मेरी एक शो आ रही है अभी, हम 5 फिर से वो भी है, और ये मोहब्बतें हैं, उसके बाद ऐसी दीवानगी है, और साउथ में काफ़ी फिल्म कर चुका हूँ। अभी मैंने रिसेंट एक फिल्म किया विजय जी के साथ, सैथान, तमिल मूवी। और अच्छा लगा कि आज मेरा ऐसा ये प्लानिंग कुछ भी नहीं था, अचानक भगवान का दर्शन होना था आगे। तो क्या कहेंगे अपने क्षेत्र में कितना आपका मतलब और योगदान होने वाला है, क्या करने वाले हैं इसके अलावा? देखिए अभी तक एज ए विलन मैं कम से कम 100 मूवी कर चुका हूँ, भोजपुरी, बंगाली, नेपाली, साउथ, और टीवी शो के साथ 6-7 तो हो ही चुका है। तो अभी तक मतलब चल ही रहे हैं, अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। सब बापा का मेहरबानी रहेगा तो बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। तो अच्छा लग रहा है, 7 डेज के लिए आए गणपति बापा घर पर, बहुत ही खुशी वाली माहौल है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और आज इनका विसर्जन है, लास्ट डे, थोड़ा मन उदास है, बट अभी तक जो भी पूजा किए हैं जो भी है बहुत आस्था से अच्छे से किया, और अभी तक अच्छा ही गया है, तो आगे भी अच्छा ही होगा। और गणपति के सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, मुंबई का माहौल ही काफ़ी अलग होता है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बप्पा आते तो पूरा मुंबई चमक जाता है, पूरा महाराष्ट्र ही चमकता है, उसी तरह अभी भी चमक रहा, पर आज तो मेरा घर सोना हो जाएगा क्योंकि ये जा रहे हैं। और आपकी मनोकामना क्या है, क्या मनोकामना मांगी आपने खुद के लिए, परिवार के लिए? बप्पा से तो मैंने आज तक जो भी मांगा है वो मिला है और आगे मिलेगा, और वो बातें तो प्राइवेट हो बता नहीं सकते ना। आपको भी नमस्कार। आप ये बताइए कहाँ से रहने वाले हो, फिल्म लाइन में कैसे आप जाना हुआ? मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ। फिल्म में मैं कम से कम 14 साल की उम्र से हूँ, चंद्रकांता से मेरी शुरुआत हुई थी असिस्टेंट। क्या किरदार था उसमें? नहीं, उसमें मैं असिस्ट किया था, फिल्म लाइन का एंट्री वहाँ से हुआ। उसके बाद काफ़ी मैंने भोजपुरी फिल्म मेरी स्टार्ट की फिल्म थी, कब हुए मिलन वो हमार, रवि किशन जी और मैं था। और उसके बाद कब हुए गौना हमार, फिर सजना नडी से अजय एक्टर। रवि जी के साथ किया हूँ, विराज भट्ट जी हैं और मनोज जी के साथ भी किया हूँ, काफ़ी फिल्म किया हूँ, 14 से 15 फिल्म किया हूँ। बॉलीवुड मेरी फर्स्ट टीवी शो था तमन्ना, जो सीरियल है वो काफ़ी चला भी था, उसमें मैं एज ए नेगेटिव कैरेक्टर किया था। उसके बाद फिर ऐसी दीवानगी अभी चल ही रहा है, ये जी टी वी में। और मेरा सबसे अच्छा, मेरा पसंदीदा कैरेक्टर जो है अभी हम 5 फिर से बिग मैजिक पे आ ही रहा है, उसमें मैं पप्पी पहलवान और सरदार का कैरेक्टर था, काफ़ी कॉमेडी है। मानते भी हैं सर, संजय जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो कई सारे नए कलाकारों को स्टार बनाए और अब आपका आपका साथ देने जा रहे हैं संजय भूषण पटियाला? संजय जी ऐसे भी हंसमुख आदमी है, वो एक तो कलाकारों को प्यार करते ही हैं, दूसरी बात क्या है कि उनमें एक अच्छाई जो सरस्वती का वास है जो हमेशा रहना चाहिए और सभी को साथ देते हैं, वो अच्छी बात है। एक मीडिया के माध्यम से कई ऐसे नए चेहरे को आगे बढ़ाया है और उनको स्टार तक बनाया है, आपका भी साथ देने जा रहे हैं संजय जी? नहीं बिल्कुल, संजय जी एक अच्छे आदमी और काफ़ी हंसमुख हैं, सबसे अच्छी बात है जो हंसता है आदमी वो दिल से बहुत अच्छा होता है और दिल से सपोर्ट करेगा सभी नए कलाकार को मौका देने से। अभी फिल्म में मैंने साउथ में एक सुपरहिट मूवी किया था सैथान, जो तमिल मूवी था, विजय सर जी के साथ किया था और काफ़ी हिट भी हुई, मैं एज ए नेगेटिव कैरेक्टर था। हीरो हीरो कौन था? हीरो विजय एंटोनी, जो वहाँ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। आपका नेगेटिव किरदार था? नेगेटिव। किस तरह कुछ बताएंगे? एक डॉक्टर है जो शायद आप लोगों ने कहीं सुना भी होगा, एक डॉक्टर जो चाहता है कि वो ड्रग्स का बिजनेस करता है और गलती से उसने हीरो को ज़्यादा ड्रग्स पिला देता, फिर वो हीरो 400 साल पुराने चले जाते हैं, हाथी की ताकत तो ट्रेन फेंकना ये सब आ जाता है, फिर मेरा वही है लास्ट में मार खाना होता है। अभी कुछ साउथ की फिल्में चल रही है, कुछ मुझे जानकारी मिला है? हाँ, अभी मेरा हिट मूवी सैथान जो सुपर हिट है अभी चल ही रहा है और उसका करोड़ों में बिजनेस हुआ है,
बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन। और अभी मैंने एक फिल्म एजेंसी में किया था दमदार, जो बांग्लादेशी और नेपाली मूवी था, उसमें एज ए विलन और एज ए डायरेक्शन भी किया था उसमें। वो भी काफी ज़्यादा पसंद है आपको? मैं नेगेटिव। नहीं नहीं, सभी जानते हैं, रवि किशन जी जानते हैं, विराट भट्ट जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी यहाँ का अशोक घायल म्यूज डायरेक्टर भोजपुरी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, हिंदी के सभी लोग जिससे भी काम करते हैं सब लोग चाहते हैं कमल कृष्णा पर्दे पे विलेन ही लगता है। रानी चटर्जी का नाम सुना आपने? हाँ, काफ़ी सुना है, बहुत चर्चित हैं। अभी वो बिग बॉस में जाने के अनुमान लग रहा है, क्या कहना आपका? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी चर्चित हैं, क्योंकि हमारे भोजपुरी में उनको काफ़ी सम्मान और काफ़ी लोग जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं, बूढ़े जानते हैं, सभी एज के लोग जानते हैं, उनको जाना चाहिए। अभी भोजपुरी में कुछ फिल्में अभी आने वाली हैं? नहीं, भोजपुरी तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भोजपुरी में कुछ गाने गाए थे मैंने, मुंबई या फैशन बा, गजब के एक्शन बा, ये भी काफ़ी चला। हाँ, ये सुन ले, तो आगे दो ही लाइन सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं। मुंबई फैशन बा, गजब के एक्शन बा, कौन कटिंग के झूला हो, इसके आगे नहीं सुना। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चाहते थे अपने दर्शकों को कुछ बोल दीजिए। हाँ, सभी दर्शकगण को यही कहना चाहता हूँ, कलाकार को प्यार कीजिए, सम्मान दीजिए, वो हमेशा आपके साथ में रहते हैं, आपका एंटरटेनमेंट करते हैं और सदैव आपका साथ बना रहेगा, तो हम लोग सभी को अच्छा रहेगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा की जय। गणपति बप्पा मौर्या। आज हम लोग भोजपुरी एक्टर आदित्य मोहन जी के घर में पधारे हुए हैं, गणपति बप्पा का आज सात दिन का दिन है और आज विसर्जन के लिए हम लोग जा रहे हैं, जूहू पार्टी इनका करने के लिए। बाबा के आए, बहुत सारा आशीर्वाद लिया हम लोगों ने और आज बहुत इंजॉय किया, हर कीर्तन ढोलक उलक हारमोनिया बजा करके मजा लिया हम लोग। हमारे काफ़ी भोजपुरी इंडस्ट्री के दोस्त हैं जो अभी पहुँचे हुए हैं, जो इंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ एक गोविंद जी हैं, हर साल गणपति बैठाते हैं और इस साल भी बिठाए थे, 7 साल की स्थापना करते हैं और पूरे 7 दिन तक भजन कीर्तन आरती कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। आज भी सुबह से भजन कीर्तन चालू है, संजय जी सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं, हारमोनिया ढोलक और पगड़ी उगड़ी बांध के मस्त विसर्जन की तैयारी कर रहे हैं, हम भी उसी में आए हैं शरीफ होने, और सौभाग्य हमारा कि हम यहाँ पे आए हैं। आदित्य जी को हम शुभकामनाएँ देना चाहेंगे कि वो हर साल ऐसे गणपति बप्पा को अपने घर में लाएं और बड़ी बड़ी भोजपुरी फिल्में बनाएं और बड़े स्टार बने, उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं मैं।